हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजन कुमार और आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। तो आज जो बात करने जा रहे हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है और बोर्ड एग्ज़ाम्स को आपको कैसे क्लियर करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें कैसे क्या सॉल्यूशंस आपको ढूंढने चाहिए, उस बारे में बात करेंगे। और दो तीन टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। देखा गया है कई बार बोर्ड एग्ज़ाम्स में हैंड राइटिंग काफ़ी बच्चों की बहुत ठीक नहीं रहती है, तो अपनी जो हैंड राइटिंग है आपकी उसको इम्प्रूव करिए। हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने का सबसे सिंपल तरीका ये है, स्टार्ट राइटिंग डेली। तो आपको डेली उसमें राइट करना चाहिए, लिखना चाहिए, और जो भी आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं उनको बार बार लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, तो उससे आपकी क्या है, राइटिंग इम्प्रूव होगी। ठीक है, पहले शुरू में थोड़ा धीरे धीरे लिखने की कोशिश कीजिए क्योंकि अभी टाइम है, बोर्ड एग्ज़ाम्स में अभी काफ़ी टाइम है, फेब में लगभग शुरू होंगे तो अभी हमारे पास समय है, तो अपने एक महीने में आप राइटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, स्टार्ट सॉल्विंग जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके, तो जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। जो पुराने पेपर्स आते हैं, मॉडल पेपर आते हैं, उनको एक एक क्वेश्चन उठाकर उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जो भी आपने अभी तक टाइम टेबल अपना फॉलो कर रहे हो तो अगर उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो आप उसको चेंज कीजिए। जो भी आपका टाइम टेबल है उसको एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसमें आपके पास सभी चीज़ों के लिए पर्याप्त समय रहे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 4 घंटे स्टडी के लिए आपने निकाले हैं, या 5 घंटे स्टडी के लिए निकाले हैं, या 3 घंटे भी स्टडी के लिए निकालें, तो बाकी टाइम आप क्या क्या कर रहे हैं उस पर थोड़ा आप नज़र रखिए कि आपका कोई समय ख़राब नहीं जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट की चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है। कोई भी क्वेश्चन आपका आया है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट ऐसा करें ना कि बहुत ही अच्छा लगे वो। जैसे मान लीजिए आपका कोई एक क्वेश्चन है तो उसमें उसके कई पार्ट्स भी हो सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन है, तो उसको सबसे पहले उस इंट्रोडक्शन दीजिए उस क्वेश्चन का, उसके बाद आप दीजिए डेफिनेशन, उसके बाद मीनिंग, तो उसके बाद जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और उसमें आप ब्लॉक्स बनाइए, जैसे किसी क्वेश्चन में टाइप्स होते हैं किसी चीज़ के, किसी भी टॉपिक के, तो उन टाइप्स को कुछ बॉक्सेस में लिखिए। ठीक है, उसके बाद आपने जब उससे पहले कॉन्सेप्ट लिख चुके हैं, उसके बाद आपने बॉक्सेस बना दिए हैं, ब्लॉक्स बना दिए हैं, उसके बाद आप कुछ पॉइंट्स लिख दीजिए। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स हैं आप हेडिंग्स भी डाल सकते हैं कि मेन पॉइंट्स हेडिंग डाल दिया आपने। उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन में आपको वही लिखना है जो आप हर बार, जैसे कि जो पूरा आपका निकल के आया सार क्या है उस क्वेश्चन का, तो कंक्लूजन क्या है। ठीक है, जो पूरा, तो ये ध्यान आपको रखना है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने आपको बताई, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई, ये आपको ध्यान रखनी है बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के समय। तो अभी टाइम है, बोर्ड एग्ज़ाम्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं आपको आज नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में, मैं ये शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा बहुत बड़ी भी नहीं है वीडियो। तो फ्रेंड्स, यही कोशिश करना कि अच्छे मार्क्स आप ला पाओ, तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।